पुल ध्वस्त, सियासत मस्त। जी हां, बिहार में एक महीने के भीतर कई पुल और पुलिया धराशायी हो गए, जिसने सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं इस पर सियासी धार भी लगातार बह रही है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पुलों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी के जवाब में सियासत में उबाल आ गया है। बिहार में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो इसी बीच कई पुल और पुलिया भी ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में सियासत भी उफान पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों के सुशासनी भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। हर दिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने करप्शन एंड वर्स्ट गवर्नेंस के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर सरकार पर हमला किया तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव रोज पुल को लेकर ट्वीट करते हैं, पुल आपके पिताजी के ही समय के पाप का फल है, सबको चिन्हित कर रहे हैं। अरे जनता को भ्रमित मत करिए, आपके चेहरा को देख चुका है, आपके करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। और रोज ट्वीट करेंगे, आपके पिताजी के ही पाप का फल था, सबको चिन्हित करवा रहे हैं। कांग्रेस राजद के पीरियड के कितने पुल थे। तेजस्वी के इस हमले पर जेडीयू ने भी जवाब दिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि तेजस्वी यादव पुल गिरने की घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, चाहे वो पुल पुलिया का निर्माण हो, सड़कों का जाल। आज बिहार के किसी कोने से राजधानी आने में 3-4 घंटे से अधिक का वक्त नहीं लगता है। तेजस्वी यादव जी पुल गिरने की घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेना। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पुलों को लालू यादव के पाप का नतीजा बताया तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं, पूर्णतः निराधार बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में शामिल हैं, बेहिसाब से झूठ बोल रहे हैं। लालू जी कब चीफ मिनिस्टर थे, तब का पुल बना हुआ, निर्माणाधीन पुल गिर रहा है, लालू जी के समय का, अब निर्माण हो रहा है। वहीं आरजेडी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। छिपाने से छिपती नहीं है कोई बातें, डबल इंजन की सरकार है और लगातार पुलों का गिरना जारी है, चाहे वो पुराना पुल हो या फिर नया निर्माणाधीन पुल हो, सब ध्वस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं। कई तो शिलान्यास हुआ, बना भी नहीं, वो ध्वस्त हो गया, गिर गया। एक तरफ पुल और पुलिया के गिरने का सिलसिला जारी है तो दूसरी ओर सियासत भी उफान पर है। सवाल है, क्या सियासत से पुलों का समाधान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।